Prashar Lake, situated 49 kilometers north of Mandi, Himachal Pradesh. The lake is situated at a height of 2730 meters above sea level with deep blue waters. The lake is held sacred to the Prashar Rishi, and it is unclear how deep it is, as no diver ever has determined its depth. Hello friends, आज हम जा रहे हैं पराशर लेक, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. तो चलिए चलते हैं पराशर लेक की सैर पर. Finally, after 5.5 hours of driving in mountains, हम लोग पहुंच गए हैं पराशर लेक. और यहां से जहां हमारी पार्किंग हुई है, इससे तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा ऊपर. बहुत थकान वाली ड्राइव थी, बट यहां आके आप लोगों को व्यू दिखाता हूं. इस व्यू के लिए 5 घंटे की ड्राइव कोई बड़ी बात नहीं है. हमें भी बहुत जाना है पीछे. चलिए चलते हैं. It is believed that Prashar Rishi meditated on the banks of this lake, and hence it got its name Prashar Lake. Bhim, one of the Pandava brothers, created the lake. Logo ka manna hai ki Bhim ne yahan apni kohni maar ke is lake ka nirman kiya. Prashar Lake in the ground. Niche se chadh ke aane mein bada maza aata hai yaar. जो भी ट्रैकिंग हुई है, बड़ा मज़ा आया इसमें. और इट्स क्वाइट विंडी हेयर. सर्दियों में तो बहुत बर्फ होती होगी यहाँ पे यार. ये है पराशर लेक. सो ब्यूटीफुल. और बिल्कुल साथ में मंदिर है पराशर जी का. और ही बहुत अच्छी जगह है. काम, बहुत प्यारी हवा है यहाँ पे. बहुत ठंडी हवा है. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के. अच्छा हुआ हम रोहतांग नहीं गए.
यहाँ है, ये ज़्यादा अच्छा है। देखते यशिका का कोई नाव निशान There is a round floating island inside the lake, and it is composed of plant matter in various stages of decomposition and is held afloat by the oxygen in its plant. Completed our trip to Prashar Lake. It was a wonderful trip. जब भी मनाली आओ, रोहतांग वगैरह की अपनी एक charm होगा, but this place deserves कि यहाँ पे आप लोग आए. बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारा माहौल है यहाँ पे. खाने को भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं और व्यू तो आप देख ही रहे, magnificent. Just amazing. I'm really amazed to see this beauty. और हवा आप देख रहे हैं यहाँ पे, लोगों को यहाँ की हवा ने लेह की याद दिला दी. When I was in Leh, सेम ऐसे ही हाल था. मुझे पता नहीं, शायद आवाज़ रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है.